नमस्कार दोस्तों, हमारे बीएस शर्मा बात द्वारा चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा आज की वीडियो में पुरुषोत्तम मास के 17वें दिन की 17वें अध्याय की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस कथा में सुदेव ब्राह्मण के पुत्र का जो है, जो प्रारब्ध लिखा हुआ था, उस प्रारब्ध का वर्णन है। सुदेव ब्राह्मण के पुत्र को अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ा। सुदेव ब्राह्मण को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही प्राणी इस जन्म में अपने कर्मों का फल भोगता है। परंतु कभी कभी इस कर्म के किए हुए पुण्य भी प्राणी के दुखों का अंत कर देते हैं। पिछले जन्म के कई जन्मों के किए हुए पाप भी इस जन्म के पुण्य करने से नष्ट हो जाते हैं। सुदेव ब्राह्मण की कथा है। इस कथा का हम प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने से पहले जो भी भक्तजन, माता बहने, भाई दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, सुदेव ब्राह्मण का पुत्र 12 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुआ। सुदेव ब्राह्मण को देवल ऋषि बताई गए थे कि आपके पुत्र का जो प्रारब्ध है, 12 वर्ष की अवस्था में जल में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुदेव ब्राह्मण को पहले से बहुत झटका लगा, आघात हुआ, क्योंकि बड़ी तपस्या के द्वारा, 4000 वर्ष की तपस्या से, बड़ी मन्नतों के द्वारा, बड़ी आशा करके पुत्र को प्राप्त किया था, उसका भी प्रारब्ध ऐसा है तो हर माता पिता को कष्ट होता ही है। और संतान पर जरा सी भी कोई तकलीफ होती है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, पर माता पिता कभी कुमाता नहीं होते। पुत्र बड़ा होकर के माता पिता को भूल जाता है, अपने गृह जाल में फंस जाता है। उसे पत्नी बच्चे अच्छे लगते हैं, परंतु माता पिताओं के सामने पुत्र बड़ा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तब भी उनके लिए वही बालक रहता है, वही प्यार की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए माता पिता को कभी भी सताना नहीं चाहिए। माता पिता की हमेशा सेवा करो, तभी तो कहा गया मैं ग्रंथों में, मात पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं, जो दुख देता मात पिता को पापी है इंसान नहीं। माता पिता सर्वोपरि हैं। सुदेव ब्राह्मण का पुत्र अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में खेलने के लिए गया। खेलते खेलते बावड़ी में कुएं पर जाकर के खेलने लगा, फिर वहीं पर एक तालाब बना हुआ था, उसमें स्नान करने लगा। स्नान करते हुए मित्रों के साथ प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उस जल में वो डूब गया। जल में डूब करके बाहर नहीं आता देख करके उसके साथ ही बचाओ बचाओ कहकर के भागे। उन बालकों ने जाकर के गौतमी ब्राह्मणी को सारा वृतांत बताया। उन बालकों के द्वारा अपने पुत्र का प्रिय समाचार सुनकर के गौतमी ब्राह्मणी बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव ब्राह्मण आ गए। उन्होंने बालकों के द्वारा अपने पुत्र का जल में डूब जाना सुना तो वो भी कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों पति पत्नी उठकर के बावड़ी पर गए, वहां जाकर के अपने पुत्र को, मृतक पुत्र को आलिंगन करके, शरीर को गोदी में लेकर के सुदेव ब्राह्मण बारंबार पुत्र के मुख को चूमने लगा, रोने लगा, महारुदन करने लगे। सुदेव ब्राह्मण, गौतमी ब्राह्मणी रो रहे हैं, बिल्लाप कर रहे हैं। उनका दृश्य किसी से देखा नहीं जाता, इतना कठोर कठिन करुण बिल्लाप कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि हे पुत्र, मेरे सोच को हरने वाली मनोहर वाणी तो कहो,
हमें माता पिता कहकर के, पिताजी कहकर के अपनी माँ को माँ कहकर के क्यों नहीं बुलाते? हे पुत्र, तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर के कहाँ चले गए? हे वस्त, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे मित्र खड़े हुए हैं, उनके साथ खेलने के लिए खड़े क्यों नहीं होते? माता पिता के पास क्यों नहीं आते? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आज हम दोनों पति पत्नी घर वापस नहीं जाएंगे, तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग देंगे। मेरा वन में भी क्या काम है? ये कहते कहते सुदेव ब्राह्मण रो रहा है और बार बार, हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया? हे कृष्ण, हे मुरारी, हे माधव, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मेरे पुत्र को जीवन दान क्यों नहीं देते? सुदेव ब्राह्मण ये कह करके बार बार खड़ा होता है, गिर जाता है, पुत्र से लिपट जाता है। गौतमी ब्राह्मणी भी बार बार पुत्र के मुख को चूम रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, इतना करुण दृश्य हो गया, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आकाश मंडल में खड़े हुए देवता भी अदृश्य देख रहे हैं तो वो भी रो रहे हैं, उनका हृदय भी रो रहा है। इस तरह से सुदेव ब्राह्मण को बिल्लाप करते हुए सुबह से लेकर के शाम हो गई, सुदेव ब्राह्मण बेहोश होकर के पुत्र के पास बिल्लाप कर रहा है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिवरों, आज सुदेव ब्राह्मण पर ऐसा आघात हुआ है मानो उसका सब कुछ लूट गया, जीवन का सर्वस्व लूट गया, कई जन्मों का पुण्य लूट गया। आज उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं रहा। सुदेव ब्राह्मण की दशा किसी से देखी नहीं जाती थी, कथा कहने में हमसे भी नहीं कही जाती, ऐसी दशा सुदेव ब्राह्मण की, गौतमी ब्राह्मणी की हो रही है। सूत जी कहते ऋषिवरों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, कल की कथा में आगे की कथा का वर्णन करेंगे। पुरुषोत्तम भगवान आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।